हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे स्कूल चैनल आरबी टिप का आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएन कॉलेज दुमका के बारे में। दोस्तों, एएन कॉलेज दुमका से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2023 का जो है एडमिशन ऑनलाइन होगा और आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखा देंगे क्या क्या नोटिस में दिया गया है और ऑनलाइन आपको एडमिशन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, देख सकते हैं ये सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिस है एएन कॉलेज दुमका की तरफ से। इसमें दोस्तों बोला जा रहा है कि यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2023 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर 3 सेशन 2023 में ऑनलाइन एडमिशन महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन हो रहा है। नामांकन शुल्क बीए बीकॉम बीएससी विद प्रैक्टिकल फी ₹2,045 एंड विदाउट प्रैक्टिकल फी ₹1,995 ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा, जिसकी विवरणी निम्न है। यहाँ पे बताया गया कौन से लगा 11 तक यहाँ पे आपको कैसे कैसे करना है। पहले वेबसाइट में जाना है, वहां से पेमेंट करना है, ये तो मैं आपको ऑनलाइन ही लाइव दिखाऊंगा। जैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो ये नोटिस था, इस नोटिस को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए जो है एएन कॉलेज दुमका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ancdumka.org, इस वेबसाइट में आपको आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना, नीचे यहाँ पे आपका कोर्स पे यहाँ पे बगल में देखने को मिलेगा फी पेमेंट फॉर एडमिशन या री एडमिशन, आपको इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन होगा आपके सामने, यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा आदित्य नारायण कॉलेज दुमका। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन फी फॉर्म इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेड मार्क में कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली सेमेस्टर 3 और 5 स्टूडेंट हैव टू पे एडमिशन एंड डेवलपमेंट फी। तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि आप अगर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के छात्र हैं तो आपको डेवलपमेंट फी भी यहाँ पे देना होगा। ये फी कैसे देना है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक मार्क यहाँ पे जो है बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल आपका फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक और टैब आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ पे नेटवर्क वजह से यहाँ पे थोड़ा स्लो है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे सेलेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट आपका यहाँ पे लिखा हो रहेगा, इसको आपको एप्लीकेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक सेलेक्ट करने के यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन फी फॉर्म इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो आपका फॉर्म है वो पूरा यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को सावधानी पूर्वक यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ फॉर्म में आपको स्टूडेंट नाम अपना यहाँ पे नाम डालना है, फादर नाम अपना यहाँ पे फादर नाम डालना है, जो आपका मार्कशीट वगैरह में हो वो आप यहाँ पे देख के सही से डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है जो वैलिड हो, उसके बाद एक ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी भी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका यहाँ पे जेंडर हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप बीए है बीएससी है बीकॉम है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, रोल नंबर दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर यहाँ पे अपना सेमेस्टर 3 सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट फी आया, इसको आपको सेलेक्ट करना ही है दोस्तों, क्योंकि आपको डेवलपमेंट फी सेमेस्टर 3 का देना ही होता है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5। यहाँ पे डेवलपमेंट फी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन फी आएगा, एडमिशन फी यहाँ पे ₹1 जो आएगा इसको आप सेलेक्ट करना ही है आपको। उसके बाद ट्यूशन फी आएगा, ट्यूशन फी यहाँ पे जो भी आपका दिखेगा वो सेलेक्ट करना ही है आपको। उसके बाद प्रैक्टिकल फी, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको ₹50 सेलेक्ट करना है। अगर प्रैक्टिकल फी आपका नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप ₹50 जो लिखा हुआ इस पे सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद मिसलेनियस फी जो है ये आपका यहाँ पे जो दिखेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ वेलफेयर, यहाँ पे आपको ये कंपल्सरी है, इसको आपको देना ही है। उसके बाद टोटल पेबल अमाउंट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको देख लेना है सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फाइव विथ प्रैक्टिकल, मतलब अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप 2045 वाला सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं है विदाउट प्रैक्टिकल है तो यहाँ पे आपको विदाउट प्रैक्टिकल 1995 वाला यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक रिव्यू का फॉर्म दिखता है, इसको आपको एक बार पूरा वेरीफाई करना है। अगर आपने पूरा सब सही सही अपना डाला है यहाँ पे आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि कोई मिस्टेक है आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप गो बैक पे क्लिक करके आप फिर से उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एग्री पे, उसके बाद नीचे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस प्रीव्यू पेज को आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट करके भी रख सकते हैं। जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा पेमेंट मेथड दिखेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, सारा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको कोई भी मेथड से आपको पेमेंट करना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो पेमेंट करते वक्त आप यहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह यूज करेंगे तो आपका ज्यादा बेटर होगा। अगर यूपीआई यूज करते हैं, सेम मोबाइल में यूपीआई यूज करते हैं तो आपका प्रॉब्लम कर सकता है, आपका पेमेंट फंस सकता है। तो इस जो आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक आप पेमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका रिसिप्ट दे दिया जाएगा। रिसिप्ट में आपका रिसिप्ट नंबर और रेफरेंस नंबर या फिर ट्रांजेक्शन नंबर एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्लिप जो सब पैसा का वो निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालना है किस वेबसाइट से आपको बता देते हैं वो। यहाँ पे दोस्तों मैं अभी कोई एक्चुअल फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से पेमेंट करेंगे अच्छे से आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा आप नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये सब पैसा का जो ट्रांजेक्शन स्लिप का है ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो आपका फॉर्म निकलेगा जैसे पेमेंट करेंगे आपको जो रिसिप्ट निकलेगा उसमें रेफरेंस नंबर लिखा होगा या फिर ट्रांजेक्शन नंबर लिखा होगा। उस ट्रांजेक्शन नंबर को यहाँ पे आपको टाइप करना है और व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्लिप दे दिया जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ में भी सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद कहीं भी कोई भी कैफे अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो वहां से आप जाके निकलवा सकते हैं। उसके बाद ये सारा जो फॉर्म निकला इसके साथ अपना मार्कशीट वगैरह आधार वगैरह लेके आपको अपना कॉलेज में जमा करना है। दोस्तों ये था प्रोसेस, फुल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हो। कोई भी कंफ्यूजन हो और कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी अपना फॉर्म एडमिशन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।